नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में आगामी फरवरी माह के 23, 24 व 25 को आयोजित होने वाले G20 के नाम पर जहां तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, वहीं कुछ जगह प्रशासनिक हेरफेर के कारण स्थानीय जनमानस परेशान हो रहा है। ताजा मामला दूल्हादेव मंदिर के सामने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्राइवेट जमीन पर बनाई जा रही पार्किंग को लेकर है। स्थानीय निवासी राजेंद्र तिवारी ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। जिस दिन इस जमीन की नप्ती कराई गई उस दिन उन्हें किसी भी तरह की कोई सूचना प्रदान नहीं की गई, बगैर किसी सूचना के ही काम स्टार्ट कर दिया गया। जबकि कायदे से देखा जाए तो नप्ती के दौरान अगल बगल के जमीन मालिकों को बुलाना अनिवार्य होता है, पर ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद भी इनके द्वारा पुरातत्व विभाग, पुलिस विभाग एवं तहसीलदार के यहाँ शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण यह काफी व्यथित और परेशान है। निश्चित रूप से G20 सम्मेलन नगर के लिए गौरव का विषय है, पर इसकी आड़ में हो रहे जबरिया कार्यों को प्रशासन के द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है और यही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अगर यह जमीन सरकारी है तो निश्चित रूप से यहाँ पार्किंग स्थल बनना ही चाहिए, लेकिन नहीं है तो जिसकी जमीन है उसकी स्वीकृत भी अनिवार्य नियम कायदे के तहत बनती है। हालांकि इस विषय को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन न उठाए जाने के कारण अधिकारियों का रुख स्पष्ट नहीं हो सका। राजेंद्र कुमार तिवारी, क्या क्या मामला है आपका यहाँ पे, क्या क्या समस्या हुई? जमीन थी पुश्तैनी, जिसमें आर्कियोलॉजिकल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तार फेंसिंग कर ली है और ये फर्श का निर्माण हो रहा है जो स्थाई दिख रहा है। तो यहाँ पर जब इसकी जब इस यहाँ पर बनाया गया तो क्या आपको सूचना दी गई थी? कोई सूचना किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट ने सूचना दी नहीं दी, आर्कियोलॉजिकल ने दी है, ना ही तहसीलदार ने दी है, पटवारी ने दी है, किसी ने भी हमको कोई सूचना नहीं दी है। और हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करके और उन्होंने इसमें निर्माण कार्य चालू कर दिया। लगभग कितनी जमीन चली गई आपकी? हमारी इसमें दो नंबर है, एक 251 आ रहे हैं, एक 81 आ रहे हैं। तो ये इन्होंने जमीन हमारी कब्जा कर ली है। अब क्या हुआ, आपने कहा कोई शिकायत की आपने? तो हमने शिकायत की, अधिकारियों से पुरातत्व विभाग में भी गए, पुलिस विभाग में भी गए, तहसीलदार के यहाँ भी गए, अभी कोई इसका निराकरण नहीं निकला है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप क्या करेंगे, क्या कहाँ शिकायत करेंगे आप? अब हम इसके बाद अगर जब नई सुनवाई हो रही है कहीं तो फिर हमको न्यायालय अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? अधिकारियों का कहना है कि ये तो सरकारी जमीन है, तहसीलदार साहब का भी कहना है सरकारी जमीन है सब। ये G20 की तैयारियों को लेकर, G20 की तैयारियों के लिए कह रहे हैं, बोले ये इधर हमारी पार्किंग रहेगी, हमारे पास पार्किंग नहीं है इसलिए हम यहाँ बुक कर रहे हैं और ये सरकारी जमीन है। और आपकी जमीन है? ये हमारी जमीन है, हमारी पुश्तैनी, हमारी बाउंड्री भी दोनों तरफ बनी हुई है जमीन की, और दोनों तरफ पिलर भी खड़ा है एक तरफ और दोनों तरफ बाउंड्री है। तो आपके पिलर तोड़ दिए गए? पिलर अभी नहीं तोड़ा है उन्होंने, ना बाउंड्री तोड़ी है, लेकिन जो बीच की जमीन है जो हमारी थी, जो हमेशा से हमारे कब्जे में रही है, हमारे नंबर में है, वो इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। हाँ, अपने कब्जे में ले ली, अपनी तार फेंसिंग कर ली और निर्माण कार्य चालू कर रहे हैं।